ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। नवरात्रियों में भले एक माला करें, दो माला करें, मन में जप लें ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। लक्ष्मी माता को कमल का आसन प्रिय है, कमल के आसन पर आप विराजमान हो देवी, हमारे हृदय कमल पर भी विराजमान हो, हमारे घर में विराजमान हो। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। वेदव्यास जी ने ये मंत्र बताया देवी भागवत में और कहा कि इससे श्रेष्ठ अर्थ की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिनों में ही करना है, ज़्यादा नहीं। गुरु मंत्र तो सदा करना है, गुरु मंत्र माने सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंत्र। हरिओम। देवी लक्ष्मी बहुत चंचल होती है और उन्हें घर में टिकाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ उपाय ऐसे हैं जो देवी लक्ष्मी को घर में सदा के लिए रोके रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाख मेहनत करने और जतन करने के बाद भी घर में रुपए पैसों की कमी बनी रहती है। धन आता भी है तो रुकता नहीं, या धन कमाने के स्रोत पर ही कई बार ग्रहण सा लग जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी मेहनत की कमाई आते ही उड़ जाती है, तो आपको नवरात्रि में देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए। हरिओम।